आज का संयोजना करेंगे, एक दो दिन के अंदर उसका प्लानिंग बनाते हैं। हम कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे दिन भर के लिए, जो सही ढंग से उत्तर देगा उसको बहुमूल्य पुरस्कार जो है रहेगा, और वह रहेगा शनिवार और रविवार, 2 दिन रहेगा। 2 दिन जो है विशेष रहेगा, ये अनवरत रूप से चतुर्मास तक कंटिन्यू रहेगा, ये एक सूचना है। और आज शाम को जो है आपको प्रश्न दिए जाएंगे, कल तक आपको उत्तर देना है, ढूंढ ढूंढ के देना है, विचार करके देना है, और कुछ प्रश्न जो है तात्कालिक रहेंगे, तुरंत आपको उत्तर देना है, तुरंत जो है आपका जो है अनेक प्रकार जो है तत्क्षण फल का तो उत्तर देना है, इससे अनेकों प्रकार की जो बख्शीश है आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। गूगल पे फोन पे के निमित्त से आपको उसका तुरंत बहुमान मिलेगा। और कुछ 2 दिन ऐसे प्लानिंग बना रहे, आपके मन में नाना प्रकार के प्रश्न रहते हैं, उस प्रश्न का समाधान जो है सटीक समाधान मैं अपनी भाषा में आपको दे सकूं, तो आपको कुछ ऐसे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, एक ग्रुप बनाया जाएगा, आप उसमें प्रश्न भेजिए और प्रश्न का उत्तर समय समय संदर्भ को देख करके आपको उसका उत्तर मिलेगा। आज जो बोलूंगा वो शाम को मैं पूछ सकता हूँ, या पिछले का कभी भी पूछ सकता हूँ, या कोई साहित्य का भी पूछ सकता हूँ, कोई भी कभी भी प्रश्न का उत्तर आपको कहीं से भी आपको आ सकता है। आज हमारे कर्नाटक के अंदर कल जो है विशेष मीटिंग हुई अल्पसंख्यक सेक्रेटरी मनोज जी से, बहुत ही धार्मिक नेक इंसान हैं, राजस्थान के हैं, बड़े ईमानदार और धर्म के प्रति समर्पित हैं। और हमारे कर्नाटक के अंदर 14 भट्टारक हैं, 14 भट्टारक में दो मठ जो है तमिलनाडु में हैं और दो जो है महाराष्ट्र में हैं, तो 14 में से 10 संस्था जो है भट्टारक की संस्था है जो अनवरत रूप से काम कर रही है। भट्टारों की परंपरा और उनकी जानकारी जो है विगत दिनों में मैं दूंगा, कुछ दिनों के अंदर उसकी विशेष व्याख्या आपको करूंगा। सारे भट्टारक जो है 18, 19, 20 यही आ रहे हैं, 14 के 14 भट्टारक, सारे भट्टारकों का आगमन जो है यहाँ नवग्रह तीर्थ पर हो रहा है और 3 दिन वो यहीं रहेंगे। जितने भी भट्टारक की संस्था है, सारी संस्था के जो भी अधिपति है, भट्टारक वर्ग है, चाहे वो हमचा के हो, चाहे श्रवणबेलगोल के हो, चाहे कारकर के हो, मुड़बद्री हो, चाहे कोल्हापुर को हो, चाहे जिनसेन हो, चाहे वह तमिलनाडु हो, चाहे अरहंतगिरी हो, कनकगिरी हो, सभी भट्टारक वृंद जो है आमंत्रण किया गया है और वो सारे लोग जो है 3 दिन के लिए यहीं पधार रहे हैं। उनकी विशेष जो व्यवस्था भी यहाँ होगी, और उसके अलावा आज मैंने कल जो है कर उनके भट्टारोकों की बहुत जो है संस्था अभिवृद्धि हो, सभी भट्टारोकों के कार्य प्रणाली में प्रगति आए, गवर्नमेंट के तरफ से हर एक भट्टारोक को 2.5 करोड़ रुपए जो है कल उनकी आदेश और गवर्नमेंट से बोला गया और गवर्नमेंट ने मान लिया है, और केवल 1 महीने के अंदर हर एक भट्टारोक की संस्था को 2.5 करोड़ जो है उनकी संस्था को प्रदान किया जाएगा, उनके क्षेत्र को अभिवृद्धि, उनके जीवन की अभिवृद्धि, उनके जो भी यात्रियों की उनके कामकाज के लिए सभी अभिवृद्धि के लिए हर एक भट्टारों को 2.5 करोड़ रुपए जो है 2 करोड़ 50 लाख रुपया अभिवृद्धि क्षेत्र अभिवृद्धि के लिए अल्पसंख्यक ऑफिस से जो है प्रदान किया जाएगा। ये बड़ी खुशखबरी है और यही आंदोलन का जो हमने किया उसी का नतीजा है कि धीरे धीरे रंग ला रहा है। तो बंधु, हम लोग जो है समाज अल्प समाज है, एकता के साथ अखंडता के साथ अगर हम एकजुट रहेंगे तो समाज की हर तरह से, अर्थ की तरह से,
समाज की तरफ से और अनेकों तरह से अभिवृद्धि होगी और बहुत बड़ा। और हर साल जो अब ये जो रीति है, रिवाज है, ये 25 करोड़ रुपए संक्षेपण हुआ, और एक मैं बोल रहा हूँ 50 करोड़ रुपए जैन समाज को मिलना चाहिए। और वह 50 करोड़ जो है, कई गांव क्या होते हैं, कई गांवों की अभिवृद्धि होना बाकी ही। मेरे मन के अंदर कल्पना है, मेरे सपना है, मेरी आशा है, मेरी भावना है कि समाज की अभिवृद्धि सर्वांग रूप से हो। कई जगह कैसा होता है, छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे गांव में कहीं 100 घर है, कहीं 300 घर है, कहीं 200 घर है, कहीं 50 घर है, कहीं 60 घर। जो समृद्धशाली गांव है, वे लोग अपने हिसाब से धार्मिक क्षेत्र में अभिवृद्धि कर लेते हैं, परंतु जो असक्षम लोग हैं, असामाजिक, समाज के अंदर भी मजदूरी और काम करके या नौकरी करके अपने जीवन जो यापन करने वाले लोग हैं, वह मंदिर के सिवाय और कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है, हमने जीवन में देखा है, बड़े बड़े गांवों में भी देखा है कि साधु पोसता है, साध्वी पोसती है, माताजियां पोसती है, उनको रुकने की जगह नहीं होती। तो साधु निलय का स्थापना हो हर जगह, ऐसा कोई भी मंदिर न हो जहां साधु का निलय स्थापना न हो। और ध्यान रखिए, आदमी, मेरे को किसी ने प्रश्न पूछा था कि समाज अभिवृद्धि या पैसे वाले समाज कैसे बने। उसका उत्तर ये है कि सबसे पहले जिनाले की जगह साधु निलय की अगर स्थापना की जाए तो समाज में कभी भी आर्थिक स्थिति कम नहीं पड़े। अगर आप श्रीमंत बनना चाहते हैं, समृद्ध बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, कोट्याधीश बनना चाहते हो, समाज की सकल रूप से अभिवृद्धि चाहते हो, जिनाले बाद में साधु निलय, अरहंत निलय बाद में संत निलय पहला आरंभ करिए। देखिए आपके जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी, कभी कोई कमी नहीं रहेगी, संत निलयों की जरूरत है। और इसी प्रकार मात्र संतों की नहीं, मात्र सावकों के बारे में भी सोचना है। हमारे घर बहुत छोटे छोटे रहते हैं, आजकल तो बहुत महंगा हो गया है, तो छोटे छोटे जो है 1,000 स्क्वायर फुट के, 500 स्क्वायर फुट के मकाने हो गई है। आइए, आपके अनेकों जगह जो है छोटे छोटे घर है, और समस्या आती है, कभी गोद भराई होती है, कभी सगाई होती है समाज के अंदर, कभी शादियां होती है, और कई जो है ऐसे कार्यक्रम होते हैं, तो जो है वह हम अपना कार्य करने में दूसरे जगह भटकना पड़ता है। तो अपना खुद का एक मंगल कार्यालय क्यों ना हो, और वह मंगल कार्यालय मात्र जो है कम से कम रेट में केवल खर्चा चल सके। खर्चा चल सके मतलब लेबर का चार्ज और मेंटेनेंस हो सके, इतना ही। अभी क्या है, हमारे मंगल कार्यालय तो बन रहे हैं परंतु वो कमर्शियल हो रहे हैं, लाखों रुपए लगाते, अर्थ क्या है। तो हमारे में, मेरी कल्पना है, मेरी भावना है, मेरी सपना है कि जितने भी कर्नाटक, महाराष्ट्र, जाजा मैं बिहार करूंगा अभी चतुर्मास के बाद, वह हर जगह जो है मंगल कार्यालय और संत निवास बने, और वो भी गवर्नमेंट के अनुदान से बने। और मैं मुख्यमंत्री से, अभी मुख्यमंत्री से पर कल या परसों ही बात हुई थी, तब उनको मैंने बताया कि हमारी समाज के अंदर जितने भी मंदिर है, उन मंदिरों के हर जगह मंगल कार्यालय और संत निवास होना चाहिए, जिससे योगदान सरकार से होना चाहिए। तब जो है इस बात को उन्हें स्वीकारा, बोले एक साथ तो नहीं कर सकते हैं, पर हर साल थोड़ा थोड़ा करके आपकी आशा और भावना को पूर्ण करेंगे, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री ने
स्वीकारा है और इसी प्रकार उसके लिए अनुदान हर साल 50 करोड़ 50 करोड़ रुपए ऐसे फंड जमा करके हर गांव के लिए बंटना चाहिए। तो मैं इन अभी 2023 है, 23 के बाद जिन मंदिर के पास जिनालय हो और मंगल कार्यालय हो, ये मेरी भावना थी। इस बात को पहला इस साल के केवल 2 महीने के अंदर जितने भी भट्टारों के पास, क्योंकि हमारे कोरोना होने के निकल पाए और मंदिरों में भी नहीं जा पाए, जो आइए अभी जो है, मैं चाहूंगा कि समाज की सर्वांगमुखी अभिवृद्धि हो, उसके लिए तन मन धन से समाज को आगे आना है। हमारे क्षेत्र बहुत पिछड़े हो गए हैं, हमारे जो क्षेत्रों की अभिवृद्धि बहुत पीछे चली गई है, हम सुविधाएं नहीं दे पा रहे और जितने भी हो रहे हैं वे कमर्शियल हो रहे हैं, वे कमर्शियल को खत्म होना चाहिए। मंगल कार्यालय है वह मंगल कल्याण के लिए है, वह मंगल पैसे बनने का व्यवस्था ना हो, जो भी व्यवस्था हो लिमिटेड हो, क्योंकि खर्चा भी चल सके, मेंटेनेंस भी हो सके, ऐसे रूप में एक लिमिटेड आम आदमी गरीब आदमी शादी कर सके और आनंद ले सके अपने जीवन का। आम आदमी अपने घर के छोटे छोटे कार्यक्रम अपने कल्याण कार्यालय में कर सके, ये भावना मेरी है। तो जो है अभी जो प्लानिंग है वह प्लानिंग जो है इन अभी चतुर्मास के बाद आरंभ करते हैं और पहले रूप में अनेकों जगह मंगल शिलान्यास करके और समाज की अभिवृद्धि का एक शंखनाद, एक मंगल कार्य जो है शुभारंभ करते हैं। तो आप सभी जो है जरूर जो है अपने हिसाब से, जब भी आपका सहयोग पड़ेगा, जिस रूप में भी आपका सहयोग पड़ेगा, वह जरूर आप लोग भी सपोर्ट करें, सहयोग करें। हमें पैसे की आवश्यकता नहीं आपकी पैसे से सहयोग की, आप जो है बहुमत रूप से जब भी गवर्नमेंट को पत्र लिखना पड़े या गवर्नमेंट से प्रेशर क्रिएट करना पड़े तब जरूर जो है हमें सपोर्ट करें, इतना ही काफी है। बाकी बहुत कुछ मीटिंग हो चुका है, बहुत कुछ कार्य हो चुका है और कार्य जो है बहुत अच्छी ढंग से जो है वो हो चुका है। एक सूचना, दूसरी सूचना है, आज 19 तारीख को विश्व के अंदर पहली बार महामृत्युंजय यज्ञ और अनुष्ठान हो रहा है। जिस महामृत्युंजय अनुष्ठान एक नहीं दो नहीं 1000 लीटर घी के द्वारा एक यज्ञ की आहुति की तैयारी चल रही है, जिसका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा, दो मत नहीं है। और जब भी मैं बोलता हूँ बहुत विचार करके बोलता हूँ और जब जब बोला हूँ तब तब कार्य सिद्ध हुआ है। ये गनीमत है, अनेकों द्रव्यों से, एक नहीं शताधिक द्रव्यों से मृत्युंजय कार्य जो वस्तु है, द्रव्य है, पदार्थ है, आहुतियां है और अनेक प्रकार की मिश्रण से बनी हुई अनेक प्रकार की जो आहुतियां है वो उस आहुति से महायज्ञ होगा। आप जो लोग यहाँ आ सकते आ सकते हैं, अगर जो लोग नहीं आ सकते, दूर देश में अनेक प्रकार की परमिशन परवादी है तो कोई नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आपको एक व्यवस्था बनाई दी जाएगी कि आप खुद भी अपने घरों में बैठ करके आप हवन कर सकते। केवल हवन चलेगा, 1.5 घंटा हवन चलेगा, केवल मृत्युंजय का हवन होगा, स्वस्थ समृद्ध आरोग्य देह आपको रहेगा, आपको कोई चार्ज नहीं रहेगा, यहाँ बैठने वाले को भी चार्ज नहीं और आपको वहां करने वाले को भी कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क रूप से आप स्वस्थ समृद्ध बने, धर्मता के प्रतीक बने, इसलिए यह महायज्ञ हो रहा है।
तो जरूर उसमें भाग लेंगे। और यहाँ जो है 1,000 कुंड पूर्ण बुक हो चुका है, 1,000 के 1,000 कुंड जो है बुक हो चुके हैं। और अभी आप लोग अपने घरों में करना चाहते हैं तो अपना हिंडा कर सकते, कौन अपने घरों में अपना हवन करना चाहेंगे तो आप हिंडराज करिए, जिससे आपके नाम पर भी आहुति दी जाएगी, आपके नाम पर भी यहाँ जो यहाँ अगर घर में आप वहां भी करेंगे तो यहाँ भी आपके नाम पर जो है आहुति का पहुंचेगा बहुत सुंदर। कम से कम जो है यहाँ भी आपके नाम जो है 40 41 कंटिन्यू आप हिंडराज करते जाइए।